रिग्रेशन, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंपलसरी और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऑप्शनल। जो 5 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा वो कोरिलेशन के संग मैच होके आएगा, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन का, जिसमें 5 मार्क्स का कोरिलेशन होगा और 5 मार्क्स का रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन चैप्टर है इसमें हम लोग को क्या करना है वो समझना है। रिग्रेशन चैप्टर में 2 इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक इक्वेशन होगा एक्स ऑन वाई और एक इक्वेशन होगा वाई ऑन एक्स, ठीक है। रिग्रेशन में अपने को 2 इक्वेशंस के बारे में बात करना है, एक इक्वेशन है एक्स ऑन वाई और एक इक्वेशन है वाई ऑन एक्स। जो एक्स ऑन वाई है उसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि सर बी वाई एक्स इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई और वाई ऑन एक्स मतलब बी वाई एक्स, कोई दिक्कत? ठीक है सर, रिग्रेशन चैप्टर में हम लोग को लाइंस के बारे में बात करना है, 2 लाइंस है, एक एक्स ऑन वाई और दूसरा वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई यानी एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स यानी वाई ऑन एक्स। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूलास पढ़ेंगे बहुत सारा, किसको निकालने का, इसको निकालने का और इसको निकालने का, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालने के लिए कौन सा यूज करना होगा, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालने के लिए बी एक्स वाई यूज करना होगा। बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन, पहले क्या लिखा हुआ एक्स, तो यहां लिखो एक्स माइनस एक्स बार, बाद में क्या लिखा हुआ वाई, तो यहां हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है सर, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, पहले क्या है वाई, तो यहाँ इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई माइनस, बाद में क्या है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। समझ गए बात को, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या, बी वाई एक्स, पहले वाई है तो वाई माइनस वाई बार, बाद में एक्स है तो एक्स माइनस एक्स बार। ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, ये एक्स ऑन वाई निकालने का और ये वाई ऑन। अब ये सर एक्स बार और वाई बार क्या है, एक्स बार इज द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, वाई बार इज द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई। एक्स और वाई को मत छेड़िएगा, आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा, एक्स एंड वाई विल रिमेन एज इट इज। एक्स बार इज द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, वाई बार इज द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई एंड बी एक्स वाई हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज को जब यहाँ पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा एक्स और वाई के टर्म्स में, दैट विल बी एक्स ऑन वाई। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, एक्स बार वाई बार को पुट करेंगे एक्स बार वाई बार की जगह, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई सीरीज, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज और बी वाई एक्स कैलकुलेट करके निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। ये तीन चीज को जब अपने पुट करेंगे तो एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगा, दैट विल बी वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब सर बी एक्स वाई निकालने का बहुत सारा फॉर्मूलाज एक एक करके लिख रहे हैं, पहले देखो बी एक्स वाई निकालने का, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाई सिग्मा वाई ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ऑल्सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू कौआ एक्स कॉमा वाई कोवेरियंस बाई वेरियंस ऑफ वाई। ऑल्सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ऑल्सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा बट थोड़ा सा लॉजिक एक तो बता रहे हैं, जो पीछे सो नीचे, पीछे क्या वाई, तो नीचे वाई का टर्म्स है, पीछे वाई नीचे वाई का टर्म्स, पीछे वाई नीचे, जो पीछे सो नीचे, यही सेम चीज जो पीछे सो नीचे इसमें भी लगेगा। पीछे क्या है एक्स का टर्म्स, तो नीचे में सारा एक्स का टर्म्स, ऊपर में जो इसमें है वही उसमें भी रहेगा। देखते हैं कैसे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का लॉजिक, बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई वेरियंस ऑफ एक्स। बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एच डी ऑफ वाई बाई एच डी ऑफ एक्स।
समझ गया बात को, तो ये चार चार फॉर्मूला है और एक अट्ठो और भी है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस वन बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फॉर्मूला इसका भी बन सकता है, ऊपर में तो जो है वही रहेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस वन बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और नीचे में जो पीछे सो, इधर पीछे एक्स है तो नीचे एक्स का टर्म्स है, इधर पीछे वाई है तो नीचे वाई का टर्म्स है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूलाज है, एक अश्यूमिन का भी फॉर्मूला आप लोग बुक में से देख सकते हैं। सर अश्यूमिन का फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन यू वी माइनस समेशन यू वी माइनस वन बाई एन समेशन यू समेशन वी बाई समेशन यू स्क्वायर माइनस वन बाई एन समेशन यू का होल स्क्वायर, वेयर एक्स इज यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी। यहाँ पे भी वही सेम चीज लग जाएगा अश्यूमिंग के लिए, बी एक्स वाई इज इक्वल टू ऊपर में तो सेम रहेगा जो पीछे सो नीचे, पीछे वाई है ना तो नीचे वाई, वाई मतलब ये वाला वी का टर्म्स, समेशन वी स्क्वायर माइनस वन बाई एन समेशन वी का होल स्क्वायर, ये दोनों में सेम रहेगा, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए वी इक्वल टू वाई माइनस बी, वेयर ए इज द अश्यूमिन ऑफ एक्स सीरीज एंड बी इज द अश्यूमिन ऑफ, ठीक है। फॉर्मूला को कॉपी में उतारिए, इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी और डिस्कस करेंगे, उसके बाद सम्स। नेक्स्ट देखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन बुक में लिखा हुआ है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन नंबर वन, नंबर वन में बोलता है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर का वैल्यू, तीनों का साइन सेम होता है, एक यदि प्लस तो तीनों प्लस, एक यदि माइनस तो तीनों माइनस, बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर। ये सर बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और ये आर क्या है सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, कोरिलेशन पढ़े है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वही आ रही है। बोला ये तीनों का साइन सेम है, प्लस होगा तो तीनों प्लस होगा और माइनस होगा तो तीनों माइनस होगा। नंबर टू, टू वाला से एक फॉर्मूला डेराइव हुआ है, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, R is the regression, R is the correlation coefficient, BXY is the regression coefficient of X on Y, BYX is the regression coefficient of Y on X. और यदि squaring both sides करें तो ये formula ऐसा भी काम कर सकता है, ठीक है, squaring both sides यदि हो जाए। Number 3 में बोला है कि ये जो R निकल रहा है ना, ये आर स्क्वायर जो निकल रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब ये जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो से वन के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकता है, जीरो के नीचे नहीं होगा, वन के ऊपर नहीं होगा। ये आर स्क्वायर को हम लोग यदि इससे रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत, इस प्रोडक्ट का वैल्यू विल बी कैन बी जीरो कैन बी वन कैन बी एनी वैल्यू इन बिटवीन जीरो टू वन, जीरो के नीचे नहीं होगा वन के ऊपर नहीं होगा, इसका वैल्यू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। नंबर फोर में बोला है कि यदि बी वाई एक्स ग्रेटर देन वन है तो बी एक्स वाई विल बी लेस देन वन, ये लोग ये बोलता है कि बी एक्स वाई यदि ग्रेटर देन वन है देन बी वाई एक्स विल बी न्यूमेरिकली लेस देन वन, बी एक्स वाई यदि न्यूमेरिकली लेस देन वन है तो बी वाई एक्स विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन, एक ग्रेटर देन वन है तो दूसरा लेस देन वन, ये यदि लेस देन वन है तो वो ग्रेटर देन वन। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से वन के इन बिटवीन होगा ना, एक का वैल्यू मान लो वन बाई फोर है, वन बाई फोर मतलब लेस देन वन, तो दूसरा का वैल्यू यदि हम टू लिख दे तो आपको क्या तकलीफ है, एंड टू इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो मैजिक, हाफ द वैल्यू लाइज इन बिटवीन दिस टू, ये न्यूमेरिकली लेस देन वन है ये लेकिन न्यूमेरिकली, तो यदि हम इसको ऐसे उल्टा लिख दे टू इंटू वन बाई फोर तो भी तो हाफ होगा,
समझ पा रहे मेरा बात? एक न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन होगा तो दूसरा बाई डिफॉल्ट मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो से वन के इन बिटवीन लाई करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही बोला, इफ वन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन, द अदर इज न्यूमेरिकली स्मॉलर देन वन, और ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इसका मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फाइव वाला में बोला है कि एक्स ऑन वाई का इक्वेशन यदि आपके पास है और वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है आपके पास, फाइव में क्या बोला है सर, यदि एक्स ऑन वाई का आपके पास इक्वेशन है और वाई ऑन एक्स का यदि आपके पास इक्वेशन है और आपको यदि एक्स बार और वाई बार चाहिए तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जो एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स बार होगा, जो वाई का वैल्यू होगा वही वाई बार होगा। बोला एक्स ऑन वाई का इक्वेशन आपके पास है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन आपके पास है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जो एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स बार होगा, जो वाई का वैल्यू होगा वही वाई बार होगा, ठीक है। इतना अपने को काम में आएगा, इसको कॉपी में उतार लीजिए। विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल वन, कुछ वैल्यूज दिया है, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला फेंको, तमाशा देखो वाला खेल है, खाली फॉर्मूला लगाना और कैलकुलेटर यूज करना है। देखते हैं एग्जांपल वन, फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, सिग्मा एक्स दिया 30, सिग्मा वाई का वैल्यू 42, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 199, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 184, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 318, एन इक्वल टू 6। ऑल्सो फाइंड रो एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के देना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आर, आर निकाल के भी देना है, ठीक है सर। पहले वी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालते हैं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई माइनस वन बाई एन, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 199 माइनस वन बाई सिक्स इंटू 30 इंटू 42 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 184 माइनस वन बाई सिक्स इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 30 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना होगा अपने को, 199 माइनस 6 7 जा यानी ये हो जाएगा 210 बाई 184 माइनस 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 6 150, दिस इज माइनस 11 बाई 34 माइनस 11 बाई 34 11 डिवाइडेड बाई 34 का वैल्यू माइनस 0.32352। नेक्स्ट अपने को निकालने बोला बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा एक्स वाई माइनस वन बाई एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, दिस इज 199 माइनस वन बाई सिक्स इंटू 30 इंटू 42 बाई सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि 318 माइनस वन बाई सिक्स इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 42 का स्क्वायर, दिस इज 199 माइनस 210 बाई 318 माइनस 42 इंटू 42 डिवाइडेड विद 6 294, सो दिस इज माइनस 11 बाई 318 माइनस 294 24, इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 डिवाइडेड विद 24 माइनस 0.4583। नेक्स्ट अपने को आर निकालने बोला, तो आर निकालना बहुत आसान है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, याद है ये फॉर्मूला भी थोड़ा देरी पहले लिखे थे। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, बी वाई एक्स का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। बी एक्स वाई का वैल्यू क्या है? तो आर का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में पढ़े हैं तीनों का साइन सेम होता है, तो सर नेगेटिव लेना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद तो प्लस माइनस दोनों अवेलेबल है ना, इसमें से माइनस अपने को लेना है,
Vxy यानी कि -11/24 इनटू -11/34 पूरे का स्क्वायर रूट, सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 × 11/24 × 34, सो दिस इज माइनस ऊपर में 11 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 24 × 34 816 -11/28.5657 इसको डिवाइड कर दिया होगा ये लोग अंदर में पूरा डिवाइड कर लिया, इसको ठीक अंदर में कर लेते हैं माइनस 11 × 11 / 24 / 34 का स्क्वायर रूट -0.3850 कैलकुलेटर से एक बार में कर लो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू इफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बता दिया कौन सा mx - y + 10 = 0 सुनिएगा ध्यान से ये कौन सा है एक्स ऑन वाई यदि ये एक्स ऑन वाई है तो x का सब्जेक्ट बनाओ यदि ये एक्स ऑन वाई है तो x का सब्जेक्ट बनाओ सर x का सब्जेक्ट ये आएगा यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाओ y के जो बगल में बैठा हुआ है वो bxy है यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाओ y के जो बगल में बैठा हुआ है वो bxy है ठीक आचे नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन ऑफ y on x है -2x + 5y = 14 यदि ये y on x है यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ only y यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ जो x के बगल में बैठा हुआ है वो byx है यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ जो x के बगल में बैठा है वो byx है ठीक है सर Determine the value of m if the coefficient of correlation मतलब bxy का value अपने निकाले 1 by m byx का value अपने निकाले 2/5 r का value दिया हुआ है 1/√10 ये दोनों value हम लोग निकाले ये value already दिया हुआ था और इन तीनों के बीच में क्या relationship है r² = bxy * byx यही तो use किए थे यहाँ पर भी squaring both sides करोगे तो क्या हो जाएगा r² = bxy * byx 1/√10 का स्क्वायर 1/m × 2/5 1/10 = 2/5m m को इधर ले आओ 2/5 × 10 5 × 2 = m = 4 m का वैल्यू निकालना था ना सॉल्व कीजिए कॉपी में नेक्स्ट एग्जांपल 3 एग्जांपल 3 इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज फाउंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x sd ऑफ x अपने को दे दिया 3 द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x के बारे में बोला क्या है इसका इक्वेशन 8x - 10y + 66 = 0 सुनिए यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाएंगे यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाएंगे यदि ये y on x है तो हम लोग y का सब्जेक्ट बनाएंगे और x के बगल में जो है वो byx है यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ x के जो बगल वाला है वो byx है while regression line of x on y इसके अंदर में x on y के बारे में बता रहा which is 40x - 18y - 214 = 0 40x - 18y
माइनस 214 इक्वल टू जीरो, ये कौन सा इक्वेशन है, x on y। सर यदि ये x on y है तो किसका सब्जेक्ट बनाएंगे, x का। यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाएंगे, यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाएंगे, जो y के बगल में है वो हो जाएगा b एक्स वाई। यदि ये एक्स ऑन वाई है तो x का सब्जेक्ट बनाएंगे, y के जो बगल वाला वो हो जाएगा b एक्स वाई। क्वेश्चन में अपने को बोला है कैलकुलेट x बार एंड y बार एंड r कोवेरियंस x कॉमा y एंड sdy, बहुत सारा सब कुछ पूछा है और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कंपलसरी में 3 मार्क्स के लिए जो पूछता है उसमें इसी में से एक दो चीज पूछ लेता है। सबसे पहला बात तो ये कि अपने को दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, y on x भी दिया हुआ है, x on y भी दिया हुआ है, x बार y बार निकालना है, x on y भी दिया हुआ है, y on x भी दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, x बार y बार। 40x minus 18y is equal to 214 हो जाएगा, 8x minus 10y is equal to minus 66। x बार y बार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x on y और y on x को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वो 13 है और जो y का वैल्यू आएगा वो 17 है। जो x का वैल्यू आएगा वही x बार है और जो y का वैल्यू आएगा वही y बार है। x बार इज इक्वल टू 13, y बार इज इक्वल टू 17। समझ गए बात को, यदि अपने को x बार y बार निकालना और ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ तो अपने क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में फोड़ा फाड़ी करके सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही x बार है, जो y का वैल्यू आएगा वही y बार है। और क्या पूछा है सर, r का वैल्यू, r का वैल्यू तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, ये दो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं ना, बी एक्स वाई का बी वाई एक्स का, यहाँ से निकालेंगे। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई यानी कि 9 बाई 20 इंटू 4 बाई 5, 4 5 जा तो ये हो जाएगा 3 बाई 5 यानी 0.6। सर आ गया x बार y बार भी आ गया, r का वैल्यू भी आ गया, अब क्या निकालने बोला, कोवेरियंस। सुनिए कोवेरियंस निकालना है अपने को, एक फॉर्मूला था अपने पास r का इन टर्म्स ऑफ कोवेरियंस, पेज घुमा के चेक करो, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये वाला लगाओ, बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला इसमें बी एक्स वाई अपने बी वाई एक्स अपने पास है, बी वाई एक्स अपने पास है 4 बाई 5, कोवेरियंस अपने को निकालना है और एस डी ऑफ एक्स का वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द सम में दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 4 बाई 5 इंटू 3 इंटू 3 36 बाई 5 7.2 आ गया कोवेरियंस। अब एक चीज और निकालने बोला शायद इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो इसी का एक तो जोड़ीदार फॉर्मूला था बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई एस टी ऑफ y का स्क्वायर। बी एक्स वाई का वैल्यू देखो यहाँ कैलकुलेट किए हम लोग, 9 बाई 20 इज इक्वल टू कोवेरियंस का वैल्यू 7.2 बाई एस टी ऑफ y का स्क्वायर। एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 7.2 इंटू 20 बाई 9। एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7.2 इंटू 20 डिवाइड विद 9 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। फॉर्मूला देखो, तमाशा देखो, यूज ऑफ फॉर्मूला बार, बाकी जो कंसेप्चुअल ग्राउंड्स में चाहिए वो आप लोग को बता दिए, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, गिवन टू रिग्रेशन लाइंस 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस दे दिया x on y एंड y on x, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है, वही आपको पूछा है उसके अंदर। देखिए नंबर 1 में द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, तो अपने को बोल दिया दो इक्वेशन है, ये कौन सा है वो नहीं बोला, तो अपने को डिटेक्ट करना है
अपने को देख के बताना है, अपने को कैलकुलेट करके या इंस्पेक्ट करके बताना है कि कौन सा एक्स ऑन वाई है, कौन सा वाई ऑन एक्स है, वो कैसे होता है वो भी देख लीजिए। 4x plus 3y plus 7 equal to 0, एक तो, दूसरा 3x plus 4y plus 8 equal to 0। इसमें हम लोग लगाते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि मान लो ये x on y है, हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं मान लो कि ये x on y है, तो यदि ये x on y है तो ये कौन सा हो जाएगा, y on x। हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि ये x on y है, तो यदि ये x on y है तो ये y on x हो जाएगा। यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाओ, यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाओ, यदि ये x on y है तो x का सब्जेक्ट बनाओ, जो y के बगल वाला है वो हो जाएगा b xy। यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ, यदि ये y on x है तो y का सब्जेक्ट बनाओ, x के बगल वाला विल बिकम byx। समझ गए बात को। अब ये bxy को byx से मल्टीप्लाई करो, bxy को byx से मल्टीप्लाई करो और इसका नेट न्यूमेरिकल वैल्यू देखो कितना आ रहा है। यदि ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से नीचे है का मतलब हम लोग जो अजम्पशन लिए वो सही है। सर दोनों को मल्टीप्लाई किए इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है ये 1 या 1 से नीचे है, हाँ सर 1 या 1 से ये नीचे है, इसका मतलब हम लोग जो अजम्पशन लिए वो करेक्ट है। यदि इसका वैल्यू 1 से ऊपर या 0 से नीचे आ जाता तो ये जो अजम्पशन हम लोग लिए वो करेक्ट नहीं माना जाता। मतलब यदि इसका वैल्यू 0 या 1 या 0 से 1 के बिटवीन नहीं आता है, इसका मतलब हम लोग का अजम्पशन गलत है, हम लोग का अजम्पशन उल्टा है। ये x on y नहीं होगा, ये y on x होगा, ये y on x नहीं होगा, ये x on y होगा। ऐसा कब होगा, जब हम लोग का अजम्पशन न्यूमेरिकल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। याद है हम लोग ये पढ़े थे bxy into byx का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इज लेस देन इक्वल टू 1। यदि इस रेस्ट्रिक्शन में है तो अपना अजम्पशन सही है, अदरवाइज अपना अजम्पशन घूम जाएगा। जिसको अपने x on y लिए उसको y on x कर देना और जिसको y on x लिए उसको x on y कर देना और उसको अलग से कैलकुलेट करके दिखाने का जरूरत नहीं है। यदि मेरा अजम्पशन गलत आता ना तो वापस हम सही अजम्पशन लेके कैलकुलेट करके नहीं दिखाते। यदि मेरे को r का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, r का वैल्यू पूछेगा तभी हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि r निकालने के लिए मेरे को ये दोनों वैल्यू चाहिए। समझ पा रहे हैं। खाली क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है तो अजम्पशन लेके करेंगे, अजम्पशन गलत प्रूव हो गया तो अपने खाली उसको घुमा के छोड़ देंगे कि अपना ये आंसर होगा। वापिस से उसको लेके कैलकुलेट करके bxy byx निकाल के देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो पूछा ही है कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है, वो हम लोग निकाल दिया। अब इसमें ये भी पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r। मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं। r पूछा तो उसके लिए ये दोनों वैल्यू चाहिए और ये दोनों का जो साइन है r का भी वही साइन होगा। पढ़े थे ना अपने प्रॉपर्टी में इन तीनों का साइन सेम होता है। ये दोनों देखो नेगेटिव आया तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3/4। अच्छा ये तो यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिए दोनों का प्रोडक्ट, ये रहा 0.5625। कैलकुलेटर से निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.5625 0.75 माइनस। समझ गए बात को। क्वेश्चन में भी आपको खाली ये बोले कि बताओ कौन सा x on y है कौन सा y on x है तो अजम्पशन ले लेना, अजम्पशन सही है तो पता चल ही जाएगा। अजम्पशन यदि गलत आया इसका मतलब हम लोग जो लिए उसका उल्टा होगा और इन दैट केस आपको अलग से वापस कैलकुलेट करके दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सम में ये दोनों चीज पूछ ले कि डिटेक्ट भी करो संग संग आर भी निकालो तो अपने जब अजम्पशन लिए अपना अजम्पशन यदि करेक्ट नहीं आया तो अपने को इसको घुमाना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं हम लोग का आर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस विल बी y on x, दिस विल बी x on y, उसके बाद वापस कैलकुलेट करके इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को r निकाल के देना है ना। समझ गए बात को। यदि r निकाल के देना होगा तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एक्स बार 36, वाई बार 85, एस डी ऑफ एक्स 11, एस डी ऑफ वाई 8, आर का वैल्यू 0.66। फाइंड द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी अपने को चाहिए बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है। और क्या निकालना है, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, एक्स ऑन वाई चाहिए, वाई ऑन एक्स चाहिए। द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, ये सारा चीज पूछा है। देखिए बहुत आसान है निकालना, बी एक्स वाई यदि निकालना है, देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बी एक्स वाई यदि निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो डेटा दिया उसी के हिसाब से 0.66 इंटू 11 बाई 8। अब एक मिनट सुनिएगा, इसको हम जब कैलकुलेटर में कर रहे हैं 0.66 इंटू 11 डिवाइड बाई 8, इसका देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है डेसिमल में, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है डेसिमल, कैलकुलेट करके छोड़। ये वैल्यू को मेरे को एक्स ऑन वाई निकालने में काम में लाना होगा, इस वैल्यू को मेरे को एक्स ऑन वाई निकालने में काम में लाना होगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है डेसिमल में वही ले लेंगे। मान लो इसका एग्जैक्ट वैल्यू यदि नहीं आता, ये आता 0.333333 आता, तो जब ये एक्स ऑन वाई निकालोगे ना तो इसका डेसिमल मत लेना, समझ गए हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। बी एक्स वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर इस आंसर के लिए कुछ भी लिखो कोई मैटर नहीं है, लेकिन यदि ये एग्जैक्ट डेसिमल है तो उसी वैल्यू को यूज कीजिएगा एक्स ऑन वाई निकालने में। लेकिन एग्जैक्ट डेसिमल यदि नहीं आ रहा हो, 0.6666, 0.9999, 0.333 आ रहा होगा, तो उस डेसिमल को मत यूज करना एक्स ऑन वाई निकालने के लिए, फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज करना, क्योंकि यदि आप 0.33 लिए इसका मतलब यू आर राउंडिंग ऑफ। तो आप एक्स ऑन वाई निकालने के लिए एक बार यहां राउंड ऑफ करेंगे, एक बार फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा दूर चला जाएगा। सो इफ यू वांट कि आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आए, तो यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल है, यदि ये स्टॉप नहीं हो रहा है तो डेसिमल नहीं यूज करके इसका फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करना। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब समझते हैं ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना उसको, डिवाइड मत करना, और जो भी राउंडिंग ऑफ करना होगा वो एक्स ऑन वाई निकालने में फाइनल आंसर में करना। एक बार यहां पर राउंड ऑफ करोगे, फिर जब फाइनल आंसर आएगा तब राउंड ऑफ करोगे, एक्चुअल आंसर से मैच नहीं करेगा, समझ गए। बी वाई एक्स निकालना है सर, r इंटू एस डी ऑफ वाई बाई एस डी ऑफ एक्स, r का वैल्यू 0.66 इंटू 8 बाई 11। इस समय दोनों का एग्जैक्ट आ रहा है, ये भी 0.48, दोनों का एग्जैक्ट आ गया। तो यहां पर जब एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स निकालोगे, जब एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स निकालोगे तो एग्जैक्ट ये डेसिमल अपने ले सकते, क्योंकि एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट नहीं होता तो हम लोग फ्रैक्शन को लेते। फ्रैक्शन सर कैसे लेते एक बार बताइए ना, मान लीजिए 0.66 इंटू 11 बाई 8 का एग्जैक्ट वैल्यू यदि नहीं आ रहा होता तो इसको हटाते बाई 100 हो जाता, 2 4 8 33, ये हो जाता 363 बाई 400। हम लोग ये वाला वैल्यू लेते फ्रैक्शन के फॉर्म में, इन द लोएस्ट फॉर्म, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया हुआ लेते, डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ नहीं लेते। एक्स ऑन वाई निकालना है, एक्स ऑन वाई के लिए क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार अपने को दिया हुआ है, बी एक्स वाई अपने निकाल दिए और वाई बार अपने को दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.9075y माइनस 0.9075 इंटू 85, 77.1375। सबको इस तरफ ले आओ, x माइनस 0.9075y प्लस 41.1375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग को y on x निकालना है, सेम सिस्टम, y on x का फॉर्मूला y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस x बार, y माइनस 85 इक्वल टू 0.48, x माइनस 36, y माइनस 85 इक्वल टू 0.48, x माइनस 0.48 इंटू 36 17.28, तो ये हो जाएगा 0.48 x माइनस y प्लस
67.72 इक्वल टू 0। इसमें से एक आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा शायद ये वाला, क्योंकि ये आंसर में से एक आंसर मैच नहीं करेगा आपका एग्जांपल का आंसर से, क्योंकि वो लोग गड़बड़ी कर रखा मल्टीप्लाई में। शायद ये वाला मैच नहीं कर रहा होगा, 41.41 लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो लोग गड़बड़ी कर रखा, वो लोग का गलती है। ठीक है सर, ये दोनों आ गया। अब चाहिए वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। सुनिए, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब वाई ऑन एक्स को यूज करना, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है का मतलब वाई ऑन एक्स को यूज करना। किसको यूज करना? वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है का मतलब वाई ऑन एक्स को यूज करना है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ, एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स ऑन वाई। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो कौन सा यूज करेंगे? एक्स ऑन वाई। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू निकालना है तो इसको घुमा के लिख दीजिए, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू दिया हुआ है मतलब एक्स ऑन वाई, वाई का वैल्यू निकालना और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है एक्स ऑन वाई, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है वाई ऑन एक्स। यू हैव टू लर्न दिस। तो सर यहां पर वाई निकालना है ना, तो वाई ऑन एक्स 0.48, एक्स का वैल्यू 10 माइनस वाई प्लस 67.72 इक्वल टू 0, 4.8 प्लस 67.72 इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ऐड करना पड़ेगा 4.8 प्लस 67.72 72.52। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में आपने को बोला है इफ द टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0, 20x माइनस 9y माइनस 107 इक्वल टू 0। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन दे दिया, ये नहीं बताया कौन सा x on y है कौन सा y on x है, अपने को वो जरूरत भी नहीं पड़ेगा इस समय कि कौन सा x on y है कौन सा y on x है, देखते हैं पड़ेगा कि नहीं। If the two regression lines of a bivariate distribution are this and this, calculate x bar and y bar, the arithmetic means of x and y respectively। सुनिएगा ध्यान से, दोनों इक्वेशन मेरे को दे दिया और बोला x bar y bar निकालो, दोनों इक्वेशन मेरे को दे दिया, बोला क्या निकालना है x bar and y bar। तो x bar निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में फोड़ा फाड़ी करके सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली, तो जो x का वैल्यू आएगा वही x bar है, जो y का वैल्यू आएगा वही y bar है। पहला वाला क्लियर। नंबर 2, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया हुआ मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स ऑन वाई, एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स ऑन वाई। लेकिन सर मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा एक्स ऑन वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है, तो अब यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? वही पुराना सिस्टम अजम्पशन लेना होगा, मान लो ये एक्स ऑन वाई है, यदि ये एक्स ऑन वाई अपने इसको मान के चलते हैं तो x का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, x का सब्जेक्ट बनाएंगे जो y के बगल में आएगा उसको क्या ले लेंगे बी एक्स वाई, यदि इसको x on y ली है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y on x, y का सब्जेक्ट बनाएंगे और x के बगल में जो होगा उसको ले लेंगे बी वाई एक्स, बी एक्स वाई को बी वाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के बिटवीन यदि कोई वैल्यू है मतलब हम लोग का अजम्पशन सही है, यदि वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 इधर 0 और 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो 0 टू 1 में यदि लाइक करता है सेटिस्फाई करेगा तो मेरा अजम्पशन करेक्ट है, यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मेरा अजम्पशन उल्टा है, मतलब x1 y ये बन जाएगा
y on x ये बन जाएगा। तो अब जब अपने को ये मिल जाएगा कि x on y और y on x कौन सा है, तो अपने को इसके लिए कौन सा चाहिए, x on y चाहिए। हम एग्जांपल में से सॉल्यूशन देख के आपको बताते हैं x on y कौन सा है। चेक करो उसमें कौन सा वाला है, 20x वाला है, 20x minus 9y minus 107, ये वाला इक्वेशन कौन सा है। मतलब यदि आप ये assumption लोगे कि ये x on y है ये y on x है, तो आपका assumption गलत आएगा तो आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला x on y है इन लोग के हिसाब से, this one is x on y, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया हुआ है, यदि x का वैल्यू निकालना है y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 7 आएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 8.5, देखो 8.5 आ रहा है ना, 8 to the 16 160 plus 10 170, ठीक है, समझ गए बात को। तो वही फॉर्मेट यहाँ लगाइएगा assumption दे करके, ये डिटेक्ट कर लीजिएगा, ये by inspection निकाल लीजिए कौन सा x on y है, x on y वाला में y का value 7 put कर देना, x आ जाएगा। number 2 clear, number 3 find the variance of y when sd of x equal to 3। sir sd of x वेरिएंस निकालने बोल रहा है, bxy मेरे पास है, byx मेरे पास है, तो एक काम करो, ये जो bxy और byx रहेगा उसको यूज करके r निकाला जा सकता है, bxy और byx को यूज करके r निकाल लो, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy इनटू byx, r निकल जाएगा, r का वैल्यू मेरे पास है और bxy का वैल्यू मेरे पास है, byx का वैल्यू मेरे पास है, कोवेरिएंस है क्या आपके पास, नहीं सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का नहीं है दोनों में से, चेक करो बुक सम्स में दिया हुआ है, सर 3 वाले पार्ट में अलग से दिया है sd of x, तो फॉर्मूला यूज करो, r bxy is equal to r into sd of x, ये भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों अलाउड है, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला यूज करोगे तो bxy की जगह वैल्यू पुट कर देना, r की जगह वैल्यू पुट कर देना, sd of x की जगह वैल्यू पुट कर देना, sd of y वेरिएबल है वो निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यदि आपका निकल जाए तो वेरिएंस निकल जाएगा। सर कैसे निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे वेरिएंस ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, x बोलोगे तो x और y बोलोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करने से वेरिएंस आ जाता है, ये रिलेशनशिप क्लास 11 में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं। तो यहां पर जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा तो उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में से।